इस नोट्स को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि जिसे सिर्फ आप पढ़ के ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ग्लास हाउस है जिसमें नाजुक पौधों को उगाया जाता है। आपके मन में ये डाउट होगा कि ग्लास हाउस दिखता कैसे है, आखिर ये होता कैसे है, इसका काम क्या है। अगर आप पूंजी या फिर गाइड या फिर बुक में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट होगा ही होगा, लेकिन अगर आप हमारे नोट से इसे पढ़ते हैं तो आपके मन में ये डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में जो पीक है उसे ऐड किया जाता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो भी कठिन वर्ड होगा उसका पीक ऐड किया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम कोई दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनिंग शियर। यह एक विशेष प्रकार का चाकू होता है जो कि बड़े वृक्षों की टहनियों को काटने का काम आता है। ये वर्ड तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो यहाँ पर लिखा है, यह एक से काम आता है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आपको प्रोनिंग शियर ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप हमारे नोट से इसे पढ़ते हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोनिंग शियर का जो पीक है उसे ऐड किया गया है। आप पीक देख के ये समझ सकते हैं कि प्रोनिंग शियर किसे कहते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ में आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और एग्ज़ाम के टाइम आपको जब आपके माइंड में वो पीक आएगा तब आपको उत्तर भी याद हो जाएगा कि प्रोनिंग शियर का काम क्या होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आगे आपको समझ में आएंगे और आप आसानी से इसे समझ के पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले वीडियो में आपको बीएससी फाइनल ईयर के सभी विषयों के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले उन वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।